नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पूजा और व्रत के अलावा कलश स्थापना जौ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं। सदियों से नवरात्रि में मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा चली आ रही है और ऐसा कहा जाता है कि बिना जौ बोए माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताते हैं। क्यों बोया जाता है नवरात्रि में जौ और क्या है जौ बोने की मान्यता। ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो थी जौ। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। इसके अलावा जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन किया जाता है तो जौ अर्पित किए जाते हैं। जौ को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न ब्रह्मा के समान है, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जौ क्या संकेत देते हैं ये भी आप जान लीजिए। आपको बता दें कि नवरात्रि में हम जो जौ बोते हैं उसका बहुत शुभ और अशुभ फल भी मिलता है। आपने अपने घर में देखा होगा कि कलश स्थापना के समय हम जो घर में जौ बोते हैं वो 3-4 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन अगर ये जौ 3-4 दिन में ना उगे तो भविष्य में ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से हरा हो तो इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद का समय परेशानियों भरा रहेगा। वहीं अगर आप बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है और आने वाला पूरा साल आपका खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपने भी अपने घर में जौ बोए हैं तो हमारी इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इस मुद्दे पे ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप किसी पंडित या ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।